जब आपकी पिंग रिस्पांस भी ठीक हो गई, आपका आईपी भी डिटेक्ट हो गया, अब आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल चेक हाउ टू इनिशियलाइज द आईपी कैमरा। आईपी कैमरे को इनिशियलाइज करने के दो मेथड्स हैं, कॉन्फ़िग टूल के जरिए भी कर सकते हैं और वेब ब्राउजर के ऊपर भी जाके आप कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में जस्ट आपने उसका आईपी देना है जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सेम नेटवर्क पे आने के बाद जो है ये पेज खुलेगा, आप जो है यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट करके ईमेल रख सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल आप एक्सवेयर की वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे करते हैं। तो लेट्स ट्राई के इनिशियलाइज कैसे करते हैं फ्रॉम कॉन्फ़िग टूल। फर्स्ट कॉन्फ़िग टूल में करने का सिंपल तरीका यह है कि इनिशियलाइज पे क्लिक किया, पासवर्ड रखा, जैसे मैं admin123 रख रहा हूँ अभी, admin123, ओके। और उसके बाद जो है ईमेल अगर आप देंगे तो आप पासवर्ड रिसेट करने के लिए ये ईमेल यूज करेंगे जिसके ऊपर मास्टर कोड जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉल है या एनटीएससी है, पॉल होता है पाकिस्तान में यूज, ये कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये चीजें आपने चेक करनी है। मैंने कहा नहीं जी, ओके फिनिश। ये जी मेरा कैमरा इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहां से करता तो यहां से मुझे पासवर्ड देना पड़ता है, admin123 admin123, और ईमेल चेक अनचेक करके सेव करना है मुझे, ठीक है। तो यहां से भी मेरा जो है कैमरा जो है इनिशियलाइज हो जाता, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखें जी अब हमारा कैमरा जो है वो ऑप्शन नहीं दे रहा, admin123, इसको हम लॉग इन कर लेते हैं। ये जी हमारे कैमरा इनिशियलाइज हो चुका है। थैंक यू सो मच।